Hello, officially good morning to all of you guys. Today we have doing questions and its answers of chapter B Quitting Mittens and His Cats. I have taught you in the last lectures about this story of D. Quitting Mittens and His Cats. Now we are going to do questions and its answers. First questions of this chapter is, arrange the following set of words इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन योर नोटबुक. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तुम्हारा जो क्वेश्चन तुम्हारे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको किन में अरेंज करना है, तुमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. किस प्रकार से हम लोग करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज, अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स कमिंग वन आफ्टर अदर्स. फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे देखो मैं बोला ए, ए क्या होता है तुम्हारा फर्स्ट लेटर होता है. यदि कोई भी वर्ड्स लिखा जाएगा ए यदि आएगा तो इस ये क्या डिनोट करेगा, ये हमेशा क्या रहने वाला है फर्स्ट लेटर रहने वाला है. वर्ड्स का फर्स्ट लेटर नहीं रहेगा, ये मैं बोल रहा हूँ ये अल्फाबेट्स जो है हमारा उनका ये क्या है फर्स्ट लेटर है. बी क्या है तुम्हारा सेकंड लेटर है. सी क्या है तुम्हारा थर्ड लेटर है. डी क्या है तुम्हारा फोर्थ लेटर है. ई क्या है तुम्हारा फिफ्थ लेटर है. इसी प्रकार सो ऑन 26 लेटर है टोटल. उसके मदद से हम लोग क्या बनाते हैं वर्ड्स बनाते हैं. उन्हीं को क्या करना है वो लेटर्स के अनुसार तुमको वर्ड्स को क्या करना है अरेंज करना है. फर्स्ट क्वेश्चन में पहला में देख लो क्या है तुम्हारा, सीप है, स्मॉल है, सक्सेसफुल है, स्कॉल्डिंग है, स्टोन है, सेविंग है, समवन है, स्टूड है, स्टीट्स है, स्टील है, स्क्रिम्स है, सेट है, सीम्ड है, सेंट है, सेयर है. ओके, हम अरेंज कैसे करेंगे. पहला लेटर देखो सबका क्या है, एस है, स्मॉल में भी एस है, सक्सेसफुल में भी एस है, स्कॉल्डिंग में भी एस है, स्टोन में भी एस है, सेविंग में भी एस है. जितने भी लेटर हैं जितने भी वर्ड्स हैं सब में फर्स्ट लेटर क्या है तुम्हारा एस है. तो हम क्या करेंगे इनको छोड़ देंगे, एस को काउंट डाउन नहीं करेंगे. उसके बाद सेकेंड लेटर में आ जाते हैं. जब सेकेंड लेटर में आएंगे तो सेकेंड लेटर हमारा क्या है, फर्स्ट सीप में क्या है तुम्हारा एच है, एम है, यू है, सी है, टी है, ए है, ओ है. तो देखो फर्स्ट लेटर हम लोग का फर्स्ट लेटर क्या आता है अल्फाबेट्स में ए. तो देखो सेकेंड लेटर में ए कहीं पर है क्या, या हम लोगों के पास ए है कहाँ पर है ए. एक वर्ड हो गया तुम्हारा सेविंग में, सेविंग में भी सेकंड लेटर क्या है हमारा ए है. दूसरा कहाँ पर हो गया, दूसरा और भी है. दूसरा कहाँ पर हो गया, सेट में हो गया. तीसरा कहाँ पर हो गया, सेंट में हो गया. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास तीन लेटर्स हैं, तीन वर्ड्स हैं जिनका सेकंड लेटर क्या है तुम्हारा ए है. तो इसका मतलब क्या हो गया, अब हम लोग को इन तीनों वर्ड्स में क्या देखना है कि इनका थर्ड लेटर चेक करना है कि थर्ड लेटर कौन सा है. चलो तीन कौन कौन सा था हमारा, सेंट सेविंग था, कौन कौन सा था सेविंग था, ओके सेविंग था, सेट था, और क्या था तुम्हारा सेंट था. ये तीन वर्ड्स था. तो अब देखो सेकंड लेटर भी सेम है, अब थर्ड लेटर हम लोग देखते हैं. सेविंग में क्या है तुम्हारा थर्ड लेटर भी है, और सेट में क्या है टी है, और सेंट में क्या है तुम्हारा आई है. तो अब बताओ पहले वी आता है अल्फाबेट्स में या पहले टी आता है अल्फाबेट्स में, पहले आई आता है, पहले क्या आता है इसमें आई आता है. तो इसलिए हम लोग फर्स्ट लेटर क्या लिखेंगे, फर्स्ट वर्ड क्या लिखेंगे, सेंट हो गया क्या तुम्हारा फर्स्ट वर्ड. सेकंड वर्ड क्या आ जाएगा, वी आता है या टी आता है, सेकंड क्या आता है वो तुम्हारा टी पहले आता है किन से वी से. तो इसलिए सेकेंड वर्ड क्या हो जाएगा हमारा सेट हो जाएगा, और थर्ड वर्ड क्या हो जाएगा हमारा सेविंग हो जाएगा. ये किन से था तुम्हारा एस ए से हो गया सेकंड लेटर तक. अब हम लोग दूसरा मारते हैं, ए के बाद क्या आता है बी आता है, क्लियर है. बी देखो क्या किसी का सेकंड लेटर में है, सिप में बी एच, सेकंड लेटर क्या है सिप में एच है, स्मॉल में क्या है एम है, किसी में बी है बी नहीं है किसी में. उनके बाद हम लोग बी के बाद क्या आता है सी. तो देखो सी को सर्च करो, सी है कहीं पे, सी है सेकंड लेटर में कहीं पे है, कहाँ पर है तुम्हारा स्कॉल्डिंग में है. क्या सेकंड लेटर सी है स्कॉल्डिंग में, स्कॉल्डिंग में क्या सेकंड लेटर सी है. उनके बाद देखो और कहीं पे सी तुमको नजर आ रहा है, स्क्रीम्स है सेकंड वर्ड, यहाँ भी क्या है तुम्हारा सी है सेकंड लेटर. ओके दो सेकंड लेटर हो गया. अब देखो दो जगह तुम्हारा सी सी आ गया सेकंड लेटर में. अब हम इनको क्या करेंगे थर्ड लेटर इनका देखेंगे. थर्ड लेटर क्या है स्कॉल्डिंग में ओ है, और थर्ड लेटर स्क्रीम्स में क्या है आर है.
तो पहले गो आता है या पहले आर आता है? पहले क्या आता है तुम्हारा? गो आता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? स्कोल्डिंग, उनके बाद क्या लिख देंगे हम लोग? स्क्रीम्ड। इज इट क्लियर? अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, सी तक हो गया हमारा, और फिर से सेकंड लेटर क्या हो गया हमारा? डी। डी है क्या किसी में? नहीं है। उनके बाद हम लोग क्या देखते हैं? डी नहीं है। डी के बाद क्या आता है? ई आता है। तो ई देखो क्या सेकंड लेटर है किसी में? सीट में है क्या? सीट में नहीं है। सीट में क्या है तुम्हारा? एच है। स्मॉल में क्या है? एम है। सक्सेसफुल में क्या है तुम्हारा? यू है। उनके बाद देखो कहीं पर ई आता है सेकेंड लेटर, या कहां पर है हमारा? सीम्ड में क्या है? ई है। तो ये क्या हो जाएगा? सीम्ड हो जाएगा हमारा स्क्रिप्ट के बाद। ओके, थर्ड लेटर क्या आता है हमारा? एफ। नेक्स्ट सेकेंड लेटर ई के बाद क्या आता है? एफ। तो देखो एफ कहीं पर है क्या? एफ नहीं है कहीं पे, तो इनको क्या करेंगे? वो छोड़ देंगे। उनके बाद क्या आता है? जी। जी भी है क्या कहीं पे? नहीं है। उनके बाद क्या आता है? एच। एच देखो है क्या सेकेंड लेटर? कोई एच है हमारे पास? क्या है पहला ही क्या है? सीप है। सीप का सेकेंड लेटर क्या है? एच है। और उनके बाद कहीं और देखो, एच 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 एच, और एक कहां पर है तुम्हारा? शेयर में क्या है? एच है। दो जगह पर एच हो गया, तो दोनों में से पहले कौन होगा? शेयर होगा या सीप होगा? तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे? इनका थर्ड लेटर को देखेंगे। थर्ड लेटर क्या है तुम्हारा? सीप में आई है, और शेयर में थर्ड लेटर क्या है तुम्हारा? ए है। तो ए पहले आता है आई से, तो इसलिए फर्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग? शेयर लिखेंगे। उनके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? सीप लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? उनके बाद देखो एच तक हो गया, एच के बाद क्या आता है? आई आता है। तो आई देखो है क्या कहीं पे? सेकेंड लेटर जिनका वर्ड्स क्या हो? आई हो। नहीं है कहीं पे। ओके, उनके बाद क्या आता है? जे। नहीं है। के है क्या कहीं पे? नहीं है। एल है क्या? नहीं है। उनके बाद क्या है तुम्हारा? एम। एम देखो है क्या? सेकेंड लेटर तुम्हारा एम है, किसमें? स्मॉल में। तो इनको भी राइट डाउन कर दो। एम हो गया स्मॉल। एक और कहीं पर है क्या एम? नहीं है, तो इनको क्या कर देंगे हम लोग? स्मॉल लिख देंगे। उसके बाद देखो एन आता है, एन है क्या कहीं पे? नहीं है। ओ है सेकेंड लेटर, सेकेंड लेटर ओ, वो भी नहीं है। ओके, एम एन तो है ही नहीं, वो भी नहीं है। पी है, पी भी नहीं है। क्यू है, क्यू भी नहीं है। पी क्यू। आर है, आर भी नहीं है। एस है सेकेंड लेटर, नहीं है। टी है, टी हमारा सेकेंड लेटर है, कहाँ कहाँ पर है? स्टूल में है। इनको कलर कर लो पहले। स्टूल में है, स्ट्रीट में है, स्टील में है, ये सब में क्या है तुम्हारा? टी है सेकेंड लेटर। टी है सेकेंड लेटर, तो क्या हुआ? ये तीनों में देखो सबसे पहले कौन सा वर्ड लिखा जाएगा? और कहीं पे नहीं, पहले क्या हुआ? टी के बाद देखो स्टूड में क्या आता है? ओ आता है। थर्ड लेटर क्या है? ओ है। यहाँ पे थर्ड लेटर क्या है? आर है। यहाँ पे थर्ड लेटर क्या है स्टील में? आई है। तो पहले क्या आता है तुम्हारा? आई आता है, या फिर पहले आर आता है, या फिर पहले ओ आता है? पहले क्या आता है? आई आता है। तो इसलिए पहले हम लोग क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे, स्टील लिखेंगे। सेकेंड में क्या आता है तुम्हारा? ओ आता है, तो इसलिए ओ लिखेंगे। और थर्ड में क्या, थर्ड में क्या आता है तुम्हारा? वो आता है स्टोन एंड स्ट्रीट। ओके, स्टोन भी है। हेयर वन वर्ड इज मोर स्टोन। ओके, अभी देखो दो वर्ड्स तुम्हारा कॉमन आ रहा है। वो देखो दो जगह आ रहा है, एक स्ट्रीट में आ रहा है, एक स्टोन में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? थर्ड लेटर देखेंगे। स्टोन और स्ट्रीट का जब थर्ड लेटर देखेंगे, तो स्टोन में क्या तुम्हारा? एन है। और स्टूड में क्या है तुम्हारा? ओ है। तो एन क्या आता है? पहले आता है किन से? ओ से। तो इसलिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे? स्टोन लिखेंगे, और बाद में क्या लिखेंगे? स्टूड लिखेंगे। क्लियर है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो कमेंट सेक्शन में बोल सकता है, वो क्वेश्चंस पूछ सकता है दोबारा मुझसे। क्लियर है? जब समझ में नहीं आए तो यहाँ तक होने के बाद नेक्स्ट देखो क्या है तुम्हारा? कितने वर्ड्स हो गए स्ट्रीट तक? हो गए। बच गया क्या तुम्हारा लास्ट वन? सक्सेसफुल।
सक्सेसफुल क्या लिख दो, लास्ट वन तीन नंबर क्लियर है, क्योंकि यू क्या आता है तुम्हारा सेकेंड लेटर यू है, यू क्या आता है तुम्हारा सबसे लास्ट में आता है। ओके नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन बी, रिमूव द एफिक्स एंड प्रीफिक्स। हेयर ओनली से रिमूव द एफिक्स प्रीफिक्स एंड सफिक्स, राइट द रूट वर्ड्स। ओके तुमको यहाँ पे क्या बोला है, रूट वर्ड लिखने के लिए, मेन वर्ड्स लिखने के लिए एफिक्स मतलब क्या होता है, एफिक्स मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, द वर्ड्स व्हिच इज एडेड बिफोर द रूट वर्ड, ऐसा वर्ड्स जो रूट वर्ड में क्या किया जाए तुम्हारा एड किया जाए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। क्लियर है। और सफिक्स किनको बोलेंगे, द वर्ड्स व्हिच इज एडेड आफ्टर द रूट वर्ड, रूट वर्ड के बाद जो वर्ड्स को एड किया जाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तुमको यहाँ पे क्या बोला है लिखने के लिए, रूट वर्ड बोला है लिखने के लिए, तो रूट वर्ड क्या होगा वो लिखना है। देखो पहला क्या है तुम्हारा, सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल में क्या आ रहा है तुम्हारा, सक्सेस प्लस फुल, सक्सेस क्या हो गया तुम्हारा रूट वर्ड हो गया, फुल क्या हो गया तुम्हारा वर्ड के बाद आ रहा है तो ये क्या हो गया तुम्हारा मेन रूट, मेन वर्ड के बाद आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फुल सफिक्स हो गया। तो बोला है क्या तुमको रूट वर्ड लिखने के लिए, तो क्या लिख देगा तुम्हारा रूट वर्ड क्या हो जाएगा सिर्फ सक्सेस हो जाएगा। क्लियर है। रूट वर्ड क्या हो गया सक्सेस हो गया। उनके बाद देखो रीट्रेस, रीट्रेस में क्या आता है री प्लस ट्रेस, मेन वर्ड्स क्या है तुम्हारा ट्रेस है, उनमें हम लोग ऐड क्या किए थे री, तो री क्या हो गया तुम्हारा प्रीफिक्स हो गया, वर्ड से पहले ऐड किया जा रहा है ये क्या हो गया तुम्हारा प्रीफिक्स, और मेन वर्ड रूट वर्ड क्या हो जाएगा ट्रेस, तो क्या लिखेंगे ट्रेस लिखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है अनफ्रेंडली, तो मेन वर्ड्स क्या हो जाएगा इसमें, अन क्या है तुम्हारा फ्रेंड में पहले ऐड किया गया है ये क्या हो गया तुम्हारा प्रीफिक्स हो गया, और एल वाई क्या हो गया फ्रेंड के बाद ऐड किया गया तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सफिक्स, क्योंकि मेन वर्ड लिखने के लिए बोला है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा फ्रेंड, ओनली क्या होगा फ्रेंड, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा मेन वर्ड हो जाएगा। क्लियर है। ओके नेक्स्ट देखो उनके बाद अनकाइंड है, तो अन प्लस काइंड, तो तुम्हारा प्रीफिक्स क्या हो गया अन, रूट वर्ड क्या हो गया तुम्हारा काइंड, राइट डाउन। लकली, लकली में क्या हो गया लक्की प्लस एल वाई, तो रूट वर्ड क्या हो गया तुम्हारा लक्की, और सफिक्स क्या हो गया तुम्हारा एल वाई, तो रूट वर्ड लिखना है तुमको रूट वर्ड लिख दो। क्लियर है। ओके नाउ इमीडिएटली, मेन वर्ड इज इमीडिएट, एडिड इज ली, तो रिमूव ली, ली को हम लोग क्या कर दिए रिमूव कर दिए, क्या बच गया हमारे पास इमीडिएट। माउजर, माउस जो आर, आर इज सॉरी आर इज अ सफिक्स, सो रिमूव इट। फॉलन, रूट वर्ड इज फॉल एंड सफिक्स इज ई आर, जस्ट रिमूव ई आर रूट वर्ड। वुडन, मेन वर्ड और रूट वर्ड इज वुड एंड सफिक्स इज ईएन। बिलोंगिंग, मेन वर्ड इज बिलोंग एंड सफिक्स इज एनजी। ओके गाइस Is it clear? Okay, now come to the second questions. Find from the story one words for the followings. Second question का aim ही क्या कहता है? तुमको क्या करना है? ये सारे जो जिस चीज को describe किया गया है, उनको read out करके समझ के तुमको उनके लिए क्या करना है? एक words देना है. Clear है? एक words में तुमको बताना है कि क्या बताना है वो क्या है। पहला क्वेश्चन, पहला वो क्या है तुम्हारा, ए स्मॉल रूम जस्ट बिलो स्लोपिंग रूफ, एक छोटा सा घर जो स्लोपिंग रूफ के क्या हो नीचे हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोपिंग रूफ मतलब ट्राइंगल साइड का क्या होगा उनका छत होगा, छत कैसा होगा ऊपर रूफ जो होगा वो कैसा होगा तुम्हारा ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर में होगा। क्लियर है। उनके नीचे का छोटा रूफ को हम लोग क्या बोलते हैं,
एटिक बोलते हैं। ए वेरी नैरो पैसेज बिटवीन बिल्डिंग्स, दो बिल्डिंग्स के बीच में छोटा सा जो गली होता है, स्ट्रीट होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एले बोलते हैं। क्लियर। द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन म्युनिसिपैलिटीज ऑफ ए सिटी और टाउन, सिटी और टाउन का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, थर्ड गवर्नमेंट बॉडी में, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, मेयर बोलते हैं। द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स हु कमांड्स ए शिप कैप्टन, शिप का सबसे बड़ा ऑफिसर को क्या बोलते हैं, जो शिप को क्या करता हो, कमांड करता हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्टन बोलते हैं। क्लियर है। एनी एनिमल डेट कैचेज माइस, वो जानवर जो क्या करता हो, चूहा को पकड़ता हो, चूहिया को पकड़ता हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, माउजर बोलते हैं। ए लो कॉन्स्टेंट साउंड मेड बाय कैट्स, कैट्स के द्वारा जो कॉन्स्टेंटली साउंड किया जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फूर बोलते हैं। क्लियर है। PUR फूर, इज इट क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड बी क्वेश्चन, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन यूजिंग द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, यू हैव टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग दैट फ्लोइंग वर्ड्स। ओके, फर्स्ट वर्ड इज ओवरकम, व्हाट डू यू मीन बाय ओवरकम, किसी भी प्रॉब्लम से क्या मिलना, छुटकारा मिलना, यानी कि तुम उसको पार करके आ गए हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरकम। ओके, ओके, जस्ट मेक अ सेंटेंस अबाउट इट, अबाउट दैट दैट वर्ड। द अदर डिफिकल्टी व्हिच वाज नॉट सो इजी टू ओवरकम वाज द कुक्स बैड टेंपर्स, आई हैव जस्ट टू दिस सेंटेंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ओके गाइज, नेक्स्ट, put up with, what do you mean by put up with, means it means tolerate, yani ki sahan karna, put up with means sahan karna, yadi tumko koi tang kar raha hai to tum kya karo, unke tang kiye jane ko, unke actions ko kya karte ho, tum bardasht karte rehte ho, unko reply kuch nahi karte ho, unko hum log kya bolte hain, put up with। Okay, tolerate। I can put up with a few scoldings from the cook, I have also took this sentences from the textbook। इनका मतलब क्या है कि मैंने क्या किया, आई कैन टॉलरेट, मैं करता रहा, किनको बर्दाश्त करता रहा, किनको, किनके लिए, जो कुक था वो क्या करता था, जब उनको स्कॉल्ड करता था, डांटता था, तो उनको ये क्या करता रहा, बर्दाश्त करता रहा। बार्गेन, द कैप्टन बिगेन बार्गेनिंग, बार्गेनिंग मतलब मूल भाव करना, इज इट क्लियर, मूल भाव करना, बार्गेनिंग। आई हैव ऑल्सो टेकन दिस सेंटेंसेस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एज दे अकर इन द स्टोरी, पुट द करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्सेस। क्या करना है, तुम्हारे यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस को किसके रूप में अरेंज करना है तुमको, स्टोरी का, जिस प्रकार से स्टोरी में घटना घटा है उनके अनुसार तुमको क्या करना है, उनको अरेंज करना है। क्लियर है। फर्स्ट क्या है तुम्हारा, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट रीड आउट द ऑल सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज Mr. Fitzwarren provided shelter to Dick. Okay. Second question is a carter gave Dick a lift to London. Third one is C. A cat sailed to the African coast. The captain sold the cat for a very high amount of money. Dick left his village on foot to go to the London. Dick became rich and later the mayor of London. Dick was homeless, helpless, cold and hungry. Dick bought a cat to get rid of mice. Okay. And last one is the rat and mice ate up all the dinners laid for the kings and queens. देखो, these all events are happening in the story. ये जितने भी events मैंने भी पढ़ा, वो सारे events कहाँ पे तुम्हारे story में तुमको बताया गया था कि सारे events होता है, तुमको इस सारे events को क्या करना है, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर असेंडिंग ऑर्डर, कौन सा घटना पहले घटी, कौन सा उनके बाद, कौन सा उनके बाद। तो इनमें से पहला घटना क्या घटी थी, डिक लेफ्ट हिज विलेज ऑन फूट टू गो टू द लंदन। पहले उन्होंने क्या किया, अपना गांव को छोड़ा था डिक। क्लियर है। कहाँ जाने के लिए, लंदन जाने के लिए। जब वो लंदन जाने के लिए गाँव से निकलता है तो उनको क्या मिलता है, अ कार्टर मैन। एक कार्टर गेव डिक अ लिफ्ट टू द लंदन, और कार्टर मैन के हेल्प से वो कहाँ पहुंच जाता है, लंदन पहुंच जाता है। ये सेकेंड हो गया तुम्हारा। थर्ड क्या था, थर्ड क्या तुम्हारा, डिक वाज होमलेस, हेल्पलेस, कोल्ड एंड हंग्री। जब डिक लंदन में पहुंच रहा है तो उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था,
तो वहां पे क्या था, होमलेस था, हेल्पलेस था, कोई उनका मदद नहीं कर रहा था, कोल्ड और ठंड के कारण वो गली में सिकुड़ा हुआ था और भूखा भी था, जिनके कारण वो चल नहीं पा रहा था। ये क्या हो गया तुम्हारा, थर्ड हो गया। फोर्थ, मिस्टर फिजवेरन प्रोवाइडेड शेल्टर टू द डी। जब वो मिस्टर फिजवेरन के घर के आगे पड़ा हुआ था तो फिजवेरन ने क्या किया, उनको शेल्टर अपने घर में दिया और अपने कुक को क्या बोला था कि इनके लिए क्या करो, जॉब का इंतजाम करो। क्लियर है, ये क्या हो गया तुम्हारा, फोर्थ वन हो गया। और फिफ्थ क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिग अबाउट द कैट। जब फिजवेरन के घर में डिग रहने के लिए गया तो वहां पे क्या था, बहुत सारे चूहिया थी, माइस थी, जो कि उनको रात को सोने के लिए नहीं देता था, जिनके कारण उन्होंने क्या किया, कुछ पैसे बचाकर एक बिल्ली खरीद कर लाई, अबाउट द कैट टू गेट राइड ऑफ द माइस। ओके, ये फिफ्थ हो गया तुम्हारा। सिक्स्थ क्या हो गया, ए कैट सेल्ड टू द अफ्रीकन कोस्ट। और बिल्ली को क्या किया गया, कहाँ भेज दिया गया, अफ्रीकन कोस्ट भेज दिया गया सीप के साथ। ये क्या हो गया तुम्हारा, सिक्स इवेंट हो गया। सेवंथ क्या हो गया, द रेड्स एंड माइस एट अ कॉल। जब सेल्ड, जब कैप्टन कहाँ पहुंचता है, बारबरी पहुंचता है, तो वहां पे जब वो राजा के, राजा और रानी के पास जाता है, जब वो खाना लगाता है, तो उस टाइम पे क्या देखता है कि जो चूहिया होती है, जो माइस होती है, वो क्या करता है, सारा खाना वो क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। ये क्यों गया, सेवंथ इवेंट हो गया। ओके, एट्थ इवेंट क्या हो जाता है तुम्हारा, द कैप्टन सोल्ड द कैट फॉर ए वेरी हाई अमाउंट ऑफ मनी। ओके, कैप्टन क्या करता है, उस बिल्ली को जो है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा रुपए में क्या करता है, बेच देता है, किनसे, राजा और रानी के साथ, रानी को। ओके, ये क्या हो गया तुम्हारा, एट्थ इवेंट हो गया। और नाइन्थ इवेंट क्या हो गया, नाइन्थ इवेंट क्या है तुम्हारा, डिक क्या होता है, डिक बिकम रिच एंड लेटर द मेयर ऑफ लंदन। और लास्ट में जो डिक है वो क्या बन जाता है, लंदन का मेयर बन जाता है। क्लियर है, हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ लंदन। इज इट क्लियर, दीज आर ऑल क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व यू एंड यू हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके गाइस, नाउ जस्ट राइट ऑन होमवर्क, और जो भी क्वेश्चंस बचा हुआ है उनको क्या करना है, तुमको नेक्स्ट डे सॉल्व करके लाना और जीसस ऐप पर डालना है। नाउ राइट होमवर्क, होमवर्क कंप्लीट द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, एंड लर्न वर्ड्स एंड देयर मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड लर्न वर्ड्स and their meaning of this chapter. Chapter 1.2 clear hai, ye tumko homework karna hai और इनको क्या करना है, जीजस ऐप पे सेंड करना है। आज के लिए बस इतना ही, और जो रिमेनिंग बचा हुआ है तुम लोग कंप्लीट करके लाना आफ्टर 8। थैंक यू टू ज्वाइनिंग क्लास, थैंक यू गाइस। ओके, हैव अ गुड डे एंड स्टे होम, stay safe. Just today. Just it. Okay guys, thank you.